औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज बेसिकली हम दो टॉपिक करेंगे। एक होगा साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, और दूसरे टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सो पहले हम पढ़ते हैं साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया रेंज फ्रॉम 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये कह रहे हैं कि साइज में बैक्टीरिया जो है बेसिकली वो रेंज करते हैं 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। उनकी जो बैक्टीरियल सेल की जो लंबाई होती है वो एवरेज 2 to 10 माइक्रोमीटर होती है, और उनकी जो डायमीटर उनका होता है, यानी डायमीटर जो उनका होता है वो 0.2 to 2 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ये तो हो गया बैक्टीरिया का साइज। मिसाल के यहाँ पे दो पॉइंट से जो कि समझाने हैं। यहाँ पे पहले हम करते हैं, पढ़ते हैं इस डायमीटर को, कि डायमीटर किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस तरह सर्कल को ड्रा करते हैं, इस सर्कल को हम दरमियान में डिवाइड करते हैं, जो हाफ सर्कल होता है इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह दूसरी बात यहाँ पे आती है माइक्रोमीटर की। ठीक है, सो माइक्रोमीटर किसे कहते हैं, अगर हम 1 मीटर को हम 10 लाख बराबर टुकड़ों में तकसीम करें तो उन 10 लाख में से एक टुकड़े को हम कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो बैक्टीरिया कितना छोटा है साइज में, 2 to 10 माइक्रोमीटर ये लेंथ में है और 0.2 to 2 माइक्रोमीटर ये डायमीटर में है एक बैक्टीरियल सेल। ये तो हो गया उसका साइज। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। उनमें जो सबसे पहला ग्रुप है उनको हम कहते हैं कोकाई और कोक्साई। कोक्साई किस तरह है बैक्टीरिया, दे आर राउंडेड और स्फेरिकल इन शेप। कोक्साई बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये शक्ल में जो है या शेप में जो है ये स्फेरिकल होती है। ठीक है, जब कोक्साई बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर स्फेरिकल किया मतलब यानी गोल या राउंडेड। ठीक है, बाज़ औक़ात ये कोक्साई बैक्टीरिया जो है ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, यानी जोड़ों की फॉर्म में, तो उन पेयर्स को हम कहते हैं डिप्लो कोक्साई। ठीक है, इस तरह होते हैं पेयर की फॉर्म में। और बाज़ औक़ात ये जो कोक्साई बैक्टीरिया है इनके जो सेल्स है ये इस तरह लंबे स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं, फिर उन चेन्स की फॉर्म में इनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टो कोक्साई। इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है बैक्टीरिया का शेप की बुनियाद पे वो है बेसिलाई। बेसिलाई कौन से बैक्टीरिया है, दे और रॉड शेप बैक्टीरिया। बेसिलाई बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप में है। ठीक है, इस तरह ठीक है, रॉड शेप में है। दे आर इन पेयर व्हेन द बेसिलाई बैक्टीरिया फॉर्म्स पेयर्स। बाज़ औक़ात जिस तरह ये कोकाई बैक्टीरिया पेयर की फॉर्म में होती है, बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात बेसिलाई बैक्टीरिया भी पेयर फॉर्म में होती है। सो उन पेयर्स को हम कहते हैं डिप्लो बेसिलाई। जिस तरह यहाँ पे हमने कोकाई के पेयर को डिप्लो कोकाई कहा था, इस तरह हम बेसिलाई के पेयर को हम कहते हैं डिप्लो बेसिलाई। और जब ये बेसिलाई बैक्टीरिया इस तरह लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, यहाँ पे देखे कोक्साई बैक्टीरिया ने लॉन्ग चेन बनाया है, इस तरह बाज़ औक़ात बेसिलाई बैक्टीरिया भी लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होती है, एक दूसरे के साथ उनके सेल्स अटैच होते हैं। सो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं उन चेन्स की फॉर्म में, इनको हम कहते हैं स्ट्रेप्टो बेसिलाई। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है बैक्टीरिया का, उनको हम कहते हैं स्पाइरेला। ठीक है, स्पाइरेला जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये शक्ल में एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। ठीक है, स्पाइरल शेप होते हैं, इस तरह स्प्रिंग की फॉर्म में होती है। सो ये तो हो गया बैक्टीरिया का जो है शेप, और शेप की बुनियाद पे उनकी जो है तकसीम के उनकी कौन कौन से ग्रुप से शेप की बुनियाद पे। इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिशन पे, कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कि वो किस तरह खुराक लेते हैं, किस तरह अपने खुराक की अरेंजमेंट अपने लिए करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। न्यूट्रिशन की बुनियाद पे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, पहला है ऑटोट्रॉफ और दूसरा है हीटरोट्रॉफ। सो जैसे हम सबको मालूम है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपने लिए अपने खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, या सूरज की रोशनी से या किसी और तरीके से, लेकिन अपने खुराक के लिए वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। सो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे हैव 2 टाइप्स। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को हम मजीद जो है 2 अकसाम में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जिस तरह हमें मालूम है कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपनी खुराक की तैयारी के लिए प्लांट्स ये करते हैं एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और वो एनर्जी वो कहाँ से लेते हैं, वो सूरज से लेते हैं। ठीक है, सो बाज़ बैक्टीरिया भी इस तरह है कि जो अपनी खुराक की तैयारी के लिए सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। वो क्या है, वो ऐसे हैं जो कि अपनी खुराक की तैयारी के लिए सूरज के बजाय कुछ केमिकल्स की ब्रेकडाउन करते हैं,
और उन केमिकल्स से खारिज होने वाली एनर्जी को वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह को आपस में मिला के उससे खुराक तैयार करते हैं। सो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक की तैयारी के लिए एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी केमिकल्स की ब्रेकडाउन से लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक की तैयारी के लिए एनर्जी वो सूरज से लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इसके बाद हम हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। हीटरोट्रॉफिक जैसे हम सबको मालूम है कि हीटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, यानी अपनी खुराक के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड या द हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इंटू फर्दर थ्री ग्रुप्स और थ्री टाइप्स। उनमें जो सबसे पहला है वो है सेप्रोफाइट, दूसरा पैरासाइट और तीसरा सिम्बायोन। सो बेसिकली सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स वो बैक्टीरिया है जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। ठीक है, दिस बैक्टीरिया अपटेन और गेट फूड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिजम्स की ब्रेकडाउन से हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। दूसरे है पैरासिटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और उनको बीमार भी करते हैं। हम जहाँ पे भी पैरासाइट की डिफिनेशन पढ़ते हैं उसमें हम इस तरह पढ़ते हैं कि एक तो वो ऑर्गेनिज्म से जो है अपने होस्ट जो है खुराक लेता है और दूसरा उसको बीमार भी करता है। सो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने होस्ट से वो होस्ट एनिमल भी हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। सो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने होस्ट से खुराक हासिल करते हैं और फिर उनको बीमार भी करते हैं उन बैक्टीरियों को हम कहते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। और तीसरा है सिम्बायोंट और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड और दिस बैक्टीरिया लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एंड गेट फूड फ्रॉम देम। ओके, सो सिम्बायोंट्स और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रहते हैं और उनसे जो है ये उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं और ऑर्गेनिज्म से ये फ़ायदा हासिल करते हैं। फ़ायदा किस सूरत में हासिल करते हैं, उससे जो है खुराक लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम अक्सर जो हमारे लेगुमिनस प्लांट्स है जैसे लोबिया हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें नड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, तो उन चैम्बर्स में जो है बैक्टीरिया रहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया ये करते हैं कि हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है उसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको प्लांट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, सो प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन या नाइट्रेट से जो है प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो जाहिर है ये प्लांट को फ़ायदा हो गया, तो इसके नतीजे में प्लांट क्या करते हैं, प्लांट इस बैक्टीरिया को फ़ायदा पहुंचाता है। किस सूरत में, खुराक की सूरत में। प्लांट जो है लेगुमिनस प्लांट वो जो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो खुराक तैयार करते हैं वो इस बैक्टीरिया को सप्लाई करता है और दूसरा ये इस बैक्टीरिया को शेल्टर देता है। सो ऐसे बैक्टीरिया जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक हासिल करते हैं और उनको फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, यानी उनके साथ म्यूचुअल बेनिफिट का उनका रिलेशनशिप होता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं सिम्बायोंट्स और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो ये था बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।